बारिश आते ही सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं। पिछले कुछ दिनों में ही सब्जियों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि इसका सीधा असर पॉकेट पर पड़ा है। आलू से लेकर टमाटर, प्याज, भिंडी, तोरी और हरा धनिया समेत तमाम सब्जियों के दामों में तेजी से उछाल आया, जिससे लोगों के घरों की रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। मेरठ से मुरादाबाद का हर जगह एक जैसा हाल है। महंगी सब्जियों ने लोगों की जुबान का जायका खराब कर दिया है। बता दें कि मेरठ री नवीन सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम की बात करें तो टमाटर थोक में 80 रुपए किलो बिक रहा है, गोभी 180, हरा धनिया 120, बैंगन 60, भिंडी 50 रुपए, घिया 40 रुपए, नींबू 80 रुपए, हरी मिर्च 50 रुपए, प्याज 40 रुपए किलो, खीरा 50 रुपए किलो, आलू 30 रुपए किलो, तुरई 50 रुपए, जबकि पालक 30 रुपए है, करेला 30 रुपए किलो है। फुटकर में ये तो कीमतें करीब डेढ़ गुना और बढ़ जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो मेरठ की नवीन सब्जी मंडी से इसलिए सब्जी लेने आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ फुटकर के मुकाबले थोड़ी सस्ती सब्जी मिल जाएगी। मेरठ में इन दिनों आलू 40 से 50 रुपए किलो, प्याज 40 से 45 रुपए किलो, टमाटर 60 रुपए किलो, भिंडी, लौकी 50, शिमला मिर्च 120, परवल 60 और सेम 150 से 200 रुपए किलो तक सब्जी बिक रही है। सिर्फ मेरठ ही नहीं, मुरादाबाद में भी सब्जियों का यही हाल देखने को मिल रहा है। मुरादाबाद की नवीन सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम 15 दिन में 2 गुना से 4 गुना तक बढ़ गए हैं। यहाँ सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि बारिश और बाढ़ की वजह से सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि बरसात का पानी सब्जी के खेतों में घुसने से सब्जियाँ गल गई हैं और बाढ़ की वजह से रास्ते बंद होने के कारण बाहर से सब्जियाँ भी नहीं आ रही है। अगर बात करें हम मुरादाबाद में, तो मुरादाबाद में भिंडी जो 15 दिन पहले 40 रुपए किलो बिक रही थी, अब वही 80 से 100 रुपए किलो बिक रही है। फूलगोभी 200 रुपए किलो, टमाटर जो 40 रुपए किलो से बढ़कर 70 से 80 रुपए किलो मिल रहा है, परवल 60 रुपए किलो और लौकी भी 60 रुपए किलो बिक रही है।